सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू एक्सपीरियंस। और आज हम आए हैं मूलचंद पराठा में। इस व्लॉग में आपको देखने मिलेगा कि क्यों है ये इतना फेमस, क्या है इस पराठे वाले में जो ये नॉर्थ इंडिया में इतना फेमस है। तो अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं अपने पराठे। तो ये है मूलचंद पराठे की मेन्यू। यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम मिलते हैं, सिर्फ पराठे नहीं मिलते, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। सर्विस भी काफ़ी तेज है। ये 11 बजे रात को बंद हो जाता है, तो हम बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे हैं क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ रहती है, नॉर्मल टाइम में यहाँ गाड़ी लगाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। तो हमने ऑर्डर किया है मूलचंद के दो पराठे और संजय वालों का चूर चूर नान। तो हमारे दो पराठे मूलचंद पराठे वाले से आ चुके हैं और संजय चूर चूर नान के अभी चूर चूर नान आना बाकी है। तब तक हम आपको ये खा के बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है। नहीं, एक बात तो है वैसे, जैसा हमारे देश में अगर आप किसी पंडित को देखते हो तो आपके मुंह से अपने आप क्या निकलता है, पंडित जी। और अगर किसी चौधरी को देखते हो तो अपने आप क्या निकलता है, चौधरी साहब है जी। अगर नॉर्थ इंडिया में तो मूलचंद बोलते हो ना, तो अपने आप लोग बोलते हैं मूलचंद पराठे की बात कर रहे हो क्या? कितने का पड़ा? 60 रुपये का पराठा है आलू प्याज का। और ये पराठा बाकी में अगर आप सोच रहे हो ना कि ऐसा ही है वो कर हुई वाला सिस्टम नहीं है, बहुत ही बढ़िया यूनिक। और मैं आपको अपने स्टाइल में बता रहा हूँ, अपन फूड ब्लॉगर तो है नहीं, पर आए दिखा दें आपको, एक कोक लाएँ साथ में। चूर चूर नान हमने करवाया पैक, वो कितने का है? 160 रुपीज़ का चूर चूर नान मेन्यू हमने आपको दिखाई दी। पराठा देख रहे हो, बड़ा सा जूसी सा, क्रिस्पी सा, एक नंबर। सलाद हमने फाड़ लिया आधा, आप तो अपना चीर अनट देख रहे हो। अच्छा, ये है हमारा चूर चूर नान जो हमने लिया है, ये कितने रुपए का है? 160, 160 रुपए का चूर चूर नान ये है। और ये में भी ये है चूर चूर नान, ये उसकी वो है सब्जी चना। ओहो, पैकिंग भी कतई रॉयल है। ये है रायता। अच्छा, इतना सारा सब सिस्टम है 160 रुपए में, फिर तो ठीक है ना। गाड़ी के बोनेट पे हमने सजा दिया पूरी टेबल। ये है प्याज। इंडिया का मैं तो कह रहा हूँ नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस पराठे वाला होगा ना, ये है दिल्ली का तो एटलीस्ट है, दिल्ली का तो है ये मूलचंद पराठे वाला। और ये रहा ऊपर मूलचंद मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो स्टेशन सीधा आओ पराठे खाओ भाई, अगर खाने के शौकीन हो तो। ये है चने, ये है चने, ये है दाल मखनी। अच्छा, पूरा सेट है 160 रुपये, फिर क्या महंगा है ना, तो कह रही महंगा है मतलब 160 रुपये में तुम्हें अच्छे होटल में बैठने भी नहीं देंगे। तो यहाँ बैग दिया देंगे पूरा तुझे इज्जत के साथ, डब्बे में सजा के। चूर चूर नान कहाँ है, ये मैं सुनाई दे रही मुँह से पहली बार, संजय चूर चूर नान का खा रहे हैं हम। ओहो, ये है भाई साहब, बहुत गर्म है, इसमें रख ले पराठा, उसमें रख लो। ओके भाई, कुछ ऐसा है चूर चूर नान, इसके साथ मिला है मैं रायता, ये है मिली है प्याज, ये मिली है दाल मखनी ये, और ये चने, ये चने छोले। हाँ, मतलब ये चार चीज मिलती है आपको 160 रुपए में। गोभी चूर चूर नान है, यार गोभी चूर चूर नान है 160 रुपए में, सब कुछ है। तो खाते हैं, बताते कैसा है सिस्टम। ओ हो भाई, पूरी फिलिंग कर रखी है जबरदस्ती। खिलाइए एक बार, एक टुकड़ा मिला, ठीक है दे मुझे, यही कर दूंगा ऐसा। ओ हो ऐसे कर रहे हैं ना ब्लॉगर एकदम फूड ब्लॉगर। ओहो भाई सब मजा आ गया, खत्म। मतलब खाने से पहले यहीं करते हैं, यहीं ऐसा यहाँ बोलते हैं कि मज़ा आ गया, हम खा के बताएंगे। तो भाई अपना तो हो गया डन, मेरा तो ये बच गया, मैं ना बेल दिया चूर चूर नान, अपने भी नहीं खाया जा रहा, पेट अपना बहुत छोटा, रायता बचा है, रायता जरूर पियेंगे, रायता नहीं छोड़ते। बहुत ही बढ़िया लस्सी है, वर्थ पीने वाली है, मैंने तो दो पी थी जब लास्ट टाइम आया था, लस्सी तो पी पाता हूँ, मैं पराठा नहीं खा पाता, पराठा सिर्फ मैं एक ही खा पाता हूँ, तो भारी है वैसे है मेरी ड्रेस हो गई, वरना तो बहुत हल्का लगता। कैसा लगा ये ब्लॉग? वैसे हम फूड ब्लॉग करते नहीं, पर मूलचंद इतना फेमस है, खाना खाने आए थे, हम आते रहते हैं यहाँ पर, सबसे पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को,
कमेंट करके जरूर बताना अगर आप दिल्ली से हो या दिल्ली में कभी आके आपने मूलचंद पराठा ट्राई किया है, और ज़रूर बताना कि क्या अच्छा लगा मूलचंद, और नहीं किया है तो कब आके ट्राई करना चाहते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंस में।